से आज वैक्सीनेशन कराने आए हो, कितनी खुशी है वैक्सीनेशन को लेकर और कुछ लोगों को डर भी है, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे और सरकार ने जो बच्चों के लिए इसकी शुरुआत की है उसके लिए उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि वैक्सीन लगाएं, लगाएं और देख रहे हैं, यहाँ पे डर नहीं है। सरकार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया है बच्चों के लिए वैक्सीन लिया है और कोविड के प्रति जागरूक होना भी बहुत जरूरी चीज़ है, अच्छा है वैक्सीन। बच्चों में टीका अगर पीकर जो डर आपने बताया, जो बच्चे टीका लगवा चुके हैं उनको भी आप जागरूक करेंगे कि वो भी जाकर बच्चों को बताएं टीका लगाने से खतरे वाली बात नहीं है, टीका आराम से लगाइए। कई लोगों को भी बताया जाएगा कि आप भी लोगों को जागरूक करें कि वो भी देखते देखते टीकाकरण में आगे आए। राजेश कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, वाराणसी। जिस तरह सरकार ने एक और इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए शुरुआत हो गई, क्या कहना चाहेंगे बच्चा किस तरह इसमें भी उपलब्धि हासिल करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबको वैक्सीनेशन, मुफ्त वैक्सीनेशन का एक महाअभियान चल रहा है, उसी को चितार्थ करते हुए बरेका लगातार टीकाकरण अभियान यहाँ पर संचालित क्लब में लगाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग हम लोगों ने 1.5 लाख का टीकाकरण अब तक यहाँ पर किया है और आज आयु वर्ग 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम यहाँ आयोजित था जिसकी शुरुआत की गई। आपको पता ही होगा कि महाप्रबंधक बरेका अंजलि गोयल जी की उपस्थिति में पहले बच्चे को दिव्यांशी को टीकाकरण किया गया और लगभग आज 1000 टीकाकरण इसी केंद्र में लगाया जाएगा और इसकी शुरुआत हमने कर दी। बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन की डोज बच्चों के लिए यहाँ पर दी गई है। कितने दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी? दूसरी डोज 28 दिनों के बाद लगाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।